हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीएस इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 9th। इस यूनिट का हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आईसीटी स्टैंड्स फॉर, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। आंसर है आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन टू, ITES stand for, जो ITES है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ITES का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेस। क्वेश्चन थ्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT means क्रिएटिंग मैनेजिंग स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। क्या जो IT का मतलब होता है क्रिएटिंग, किसी भी डेटा को क्रिएट करना, मैनेज करना, स्टोर करना या एक्सचेंज करना, ये सही है या गलत है। तो आंसर है ट्रू, ये सही है। क्वेश्चन फोर है, कंप्यूटर टेक्स डेटा एज ए इनपुट। हम लोग जानते हैं जैसा कि कंप्यूटर जो है वो इनपुट के तौर पर डेटा को लेता है, इसके बाद से क्या करता है उस डेटा के साथ वो प्रोसेसिंग करता है या उस डेटा को प्रोसेस करता है, इसके बाद से जो भी रिजल्ट वो प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट। तो इसका आंसर है इनपुट एंड आउटपुट। क्वेश्चन फिफ्थ, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड, रॉ फैक्ट्स को और फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं। आंसर है डेटा, हम इसको डेटा बोलते हैं। क्वेश्चन सिक्स, रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इज कॉल्ड, जो भी रिजल्ट होता है किसी भी डेटा प्रोसेसिंग का उसको हम क्या बोलते हैं। आंसर है इंफॉर्मेशन, इसको हम लोग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। क्वेश्चन सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ IT इन द बिजनेस, यानी इन चारों में से IT का क्या महत्व या क्या बेनिफिट है बिजनेस में। आंसर है बोथ ऑफ द अबव, यानी जो दोनों ऊपर का ऑप्शन है ना ये है। क्या कह दिया है, IT हेल्प्स इन रीचिंग मोर पोटेंशियल कस्टमर्स, जो IT है वो हमारी हेल्प करता है डिफरेंट तरह के या ज़्यादा लोगों के पास, ठीक है, ज़्यादा कस्टमर तक पहुँचने का मौका देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें एडवर्टीजमेंट करना हो तो हम लोग ऑनलाइन काफ़ी आसानी से कर सकते हैं घर पर बैठे, जिससे कि हम लोग डिफरेंट तरह के कस्टमर के पास आसानी से पहुंच सकते हैं और ढेर तादाद में भी पहुंच सकते हैं। दूसरी जो बात इसमें कह रहा है कि वो है IT प्रोवाइड्स बेटर सर्विस टू द कंप्यूटर्स ए कस्टमर्स, जो IT है ना वो क्या करते हैं बेटर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं किसको, कस्टमर्स को। क्वेश्चन एट, ITES आल्सो कॉल्ड, जो ITES है उसको क्या बोलते हैं, उसको वेब इनेबल सर्विसेज भी बोलते हैं, दैट कवर द इंटायर ऑपरेशंस विच एक्सप्लॉइट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूविंग ऑपरेशंस विच एक्सप्लॉइट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, IT को बेसिकली हम वेब इनेबल सर्विसेज बोलते हैं, और IT जो है वह हमारे टेक्नोलॉजी या हमारे जो काम करने की जो क्षमता होती है ना उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है, और जो हमारी काम होती है वो कम से कम समय में कंप्लीट हो जाता है। तो इसका आंसर है बोथ ऑफ द अबव, यानी ये वेब इनेबल सर्विसेज भी हमें प्रोवाइड कराता है और रिमोट सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। वेब इनेबल समझ लेते हैं पहला, ऑनलाइन जो हम लोग जानते हैं, ठीक है, ऑनलाइन जितने भी सर्विसेज हैं वो है वेब इनेबल सर्विसेज। रिमोट सर्विसेज क्या होता है कि आप अपने घर पर बैठे हो लेकिन आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू, उसको बोलते हैं रिमोट सर्विसेज। 9 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स द बिजनेस बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इज, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो क्या करता है बिजनेस को बढ़ाता है आपको, किस तरह, इम्प्रूव करके आपके क्वालिटी के सर्विस को। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको ITES बोलते हैं। क्वेश्चन 10, BPO स्टैंड्स फॉर, BPO का फुल फॉर्म क्या होता है। BPO का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्वेश्चन 11, BPM स्टैंड्स फॉर, BPM का क्या फुल फॉर्म होता है। BPM का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, राइट आंसर यही है। क्वेश्चन 12 है, BPO सर्विस इंडस्ट्री इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन इंडिया बिकॉज, जो BPO सर्विस है ना वो क्या कर रही है, काफ़ी अच्छे से काम कर रही है इंडिया में, ठीक है, क्योंकि क्यों कर रही है। आंसर है बोथ ऑफ द अबव, क्यों, BPO सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया इन्वेस्ट इन हाई टेक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर,
जो BPO सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं हाई टेक सॉफ्टवेयर पे या हार्डवेयर पे, जिससे इंडिया की क्या होती है, ग्रोथ होती है। बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंकरेजिंग द BPO इंडस्ट्री इन इंडिया। और एक तरह से क्या होता है, जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो BPO इंडस्ट्री को क्या कर रही है, इनक्रीज कर रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, जो फॉरेनर हैं वो इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करें, जिससे कि क्या हो, हमारी जो इंडिया है वो ग्रो करे। क्वेश्चन 13, MNC स्टैंड्स फॉर, MNC का फुल फॉर्म क्या होता है, MNC का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कंपनीज। क्वेश्चन 14, MNCs हैव देयर हेडक्वार्टर्स, ठीक है, MNCs जो कंपनी होती हैं उनका जो मेन हेडक्वार्टर होता है वो कहाँ पर होता है, तो आंसर है आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर, ठीक है, MNCs का हेडक्वार्टर होता है। क्वेश्चन 15, IT इज यूज्ड इन होम टू, IT का किस तरह घर पे यूज होता है, आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्या क्या है, प्ले गेम्स, जो बच्चे हैं वो घर पे गेम खेल रहे हैं, इसका मतलब कि वो IT का यूज कर रहे हैं। दूसरी बात है सर्फ द वेब, वो इंटरनेट चला रहे हैं, मीन्स कि वो IT का यूज कर रहे हैं। ईमेल सेंड कर रहे हैं, किसी को मैसेज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो IT का यूज कर रहे हैं घर पर बैठे बैठे, तो इसको बोला जाता है कि IT इज यूज्ड इन होम, यानी IT जो है वो घर पर भी डिफरेंट तरीके से यूज हो रहा है उसका। क्वेश्चन 16 है, अ PC शुड हैव टू प्ले CD, ठीक है, PC के पास क्या होना चाहिए एक CD को प्ले करने के लिए, एक CD को चलाने के लिए, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्या क्या होनी चाहिए, CD-ROM ड्राइव होनी चाहिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी जो चीज़ है वो है साउंड कार्ड होनी चाहिए, अगर आप CD प्ले करते हो आपके पास साउंड कार्ड नहीं है तो आपको साउंड नहीं सुनाई देगा, जिससे कि आप CD को नहीं देख सकते हो, या उसमें मूवी वगैरह हो उसको भी नहीं देख सकते हो, ठीक है। सी है स्पीकर भी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर स्पीकर नहीं होता है तो इसके थ्रू क्या कर सकते हो, आप CD को प्ले कर सकते हो लेकिन आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं सुनाई देगा, ठीक है। 17, एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट्स विच हैव एम्बेडेड सॉफ्टवेयर आर, यानी कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें सॉफ्टवेयर का यूज किया गया है, जैसे एक हो गया वॉशिंग मशीन, सेकेंड है माइक्रोवेव एंड रेफ्रिजरेटर, ये सारी जो चीज़ है ना वो घर पे रहती हैं, तो उनमें किस तरह से सॉफ्टवेयर को एम्बेडेड किया गया है या उसमें सेट किया गया है, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 18, वी कैन स्टोर इन आवर कंप्यूटर, हम लोग अपने कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, पहला जो चीज़ें हैं वो स्टोर कर सकते हैं वो है अपॉइंटमेंट्स, शेड्यूल्स, किसी से मिलना हो आप शेड्यूल वगैरह सेट करना चाहते हो कि इतने बजे इतने डेट को हमें मिलना है तो वो सेट कर सकते हो आसानी से। दूसरी जो चीज़ है वो है लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, आप डिफरेंट तरह के लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट भी रख सकते हो अपने कंप्यूटर में, ताकि आप फ्यूचर में किसी दूसरे से कॉन्टैक्ट कर सको। थर्ड है या सी है इम्पॉर्टेंट फाइल्स, अगर आपके पास कोई इम्पॉर्टेंट फाइल है या सॉफ्ट फाइल है तो आप उसको अपने कंप्यूटर में आराम से स्टोर कर सकते हो, ताकि उसको फ्यूचर में आप यूज कर सको, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 19 है, बारकोड ऑन अ बुक मेक्स इट इजियर फॉर द लाइब्रेरी, ठीक है, एक बुक है उसके ऊपर क्या होता है, एक बार कोड होता है, ठीक है, एक बार कोड होता है, तो जब बार कोड होता है उस बुक पे तो हमारे लिए क्या आसानी हो जाती है, तो आंसर है बोथ ऑफ द अबव, क्या क्या चीज़ें होती है, टू कीप अ ट्रैक ऑफ अ बुक्स, आप बुक की क्या कर सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो, मीन्स कि वो बुक अवेलेबल है या नहीं है या वो किस जगह है अभी, ठीक है। दूसरी जो बात है वो है टू चेक अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक बुक, आप इसके थ्रू चेक कर सकते हो जो स्पेसिफिक जो बुक है आप जो ढूंढ रहे हो वो मौजूद है कि नहीं लाइब्रेरी में, तो इससे पता चलता है, ठीक है। क्वेश्चन 20 है, कंप्यूटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑफिस वर्क मोर इफेक्टिवली, ये जो कंप्यूटर का यूज होता है ऑफिस वर्क करने के लिए ज़्यादातर, तो आंसर है यस। क्वेश्चन 21, ई लर्निंग आर स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशंस आर शोइंग इंटीग्रेशन ऑफ ICT, यानी ई लर्निंग और स्मार्ट बोर्ड कहाँ पर यूज होता है आजकल, तो आंसर है क्लास रूम में, ओके। क्वेश्चन 22, LMS स्टैंड्स फॉर, LMS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आंसर है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम,
LMS का फुल फॉर्म होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन 23, IT इज यूज्ड इन, IT कहाँ कहाँ पे यूज होता है? आंसर है ऑल ऑफ द अबव। कहाँ पे यूज होता है? एजुकेशन के पर्पज के लिए यूज होता है। दूसरी जो चीज़ है, लाइब्रेरी में भी यूज होता है IT का। थर्ड है इंटरटेनमेंट, आप मूवी वगैरह देखते हो मोबाइल में, फ़ोन में, टैबलेट में, तो ये क्या है? IT है जो आप इंटरटेनमेंट के लिए उसका यूज कर रहे हो। क्वेश्चन 24, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर, जो कंप्यूटर होता है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज होता है। क्यों यूज होता है? आंसर है ऑल ऑफ द अबव, मींस बजटिंग एंड सेल्स एनालिसिस, यानी हमें एनालिसिस करने के लिए कि कितना जो माल है हमारा बिका, कितना अभी स्टॉक में है। दूसरी जो बात है वो है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, यानी कितने की कमाई हुई, कितने का हमें प्रॉफिट मिला, कितने का लॉस हुआ, ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने के लिए। दूसरी जो चीज़ है वो मेंटेनिंग स्टॉक्स, यानी कितने प्रोडक्ट अभी हमारे स्टॉक में बाकी हैं, ये सारे ठीक है हम लोग मेंटेन कर सकते हैं किसके थ्रू? कंप्यूटर के थ्रू, राइट? इसलिए बिजनेस में भी ठीक है कंप्यूटर का यूज ज़्यादातर होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 25, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैपन थ्रू इंटरनेट कॉल्ड, जब बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होती है इंटरनेट के थ्रू तो उसको क्या कहते हैं? आंसर है ई कॉमर्स, उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। क्वेश्चन 26, पिन रेफरेंस टू क्रेडिट कार्ड स्टैंड्स फॉर, पिन ठीक है पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर है पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, राइट? क्वेश्चन 27, स्मार्ट कार्ड्स सच एज क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स हैव ए मेटालिक स्ट्रिप विच स्टोर यूजर्स, आप लोगों ने जरूर गौर किया होगा, अगर हमारे पर स्मार्ट कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड होता है या डेबिट कार्ड होता है या ATM कार्ड होता है, सोच लो उस पर क्या होता है, एक मेटालिक स्ट्रिप लगा होता है, ठीक है मेटालिक स्ट्रिप लगा होता है, मीन्स कि वो गोल्डन कलर का होता है, ठीक है। तो उस स्ट्रीम में क्या क्या चीज़ें यूजर्स की स्टोर होती है? तो आंसर है बोथ ऑफ द अबव, क्या क्या होती है? यूजर का पिन होता है और दूसरा जो चीज़ है वो है अकाउंट नंबर होता है, राइट? क्वेश्चन 28, एप्लीकेशंस आर यूज फॉर ड्राइंग, डिजाइनिंग एंड फॉर सिमुलेटिंग एंड टेस्टिंग द डिज़ाइन, कौन कौन से ठीक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो डिज़ाइनिंग के लिए यूज होती हैं और टेस्ट करने के लिए यूज होती है डिजाइन की? तो आंसर है बोथ ऑफ द अबव, कौन है? CAD है ठीक है और CAM है, ठीक है ये दोनों सॉफ्टवेयर हैं जो कि डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। 29, CAD स्टैंड्स फॉर, CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD क्या है? एक सॉफ्टवेयर है ठीक है और इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसमें डिजाइनिंग करने के लिए यूज होता है, ठीक है CAD जो होता है वो इसमें डिजाइनिंग की जाती है। 30, कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर, जो कंप्यूटर्स हैं उनका यूज क्या होता है? आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्या क्या होती है? स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, अगर आपके पास बहुत ही ढेर सारे डेटा है अगर आप उसको स्टोर करना चाहते हो तो कंप्यूटर का यूज वहाँ पर होता है। दूसरी जो चीज़ है वो है परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, अगर आप ठीक है आप अपने दिमाग से कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ेगा जिससे कि आप उससे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स कैलकुलेट कर सकते हो। तीसरी जो बात है वो है फॉर विजुअलाइजिंग 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है मीन्स कि 3D ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज होता है। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 31, वी कैन ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट बाय, ठीक है जब हम लोग पैसे को ट्रांसफर करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में किसके थ्रू करते हैं? आंसर है बोथ ऑफ द अबव, किसके थ्रू? NEFT के थ्रू करते हैं और RTGS के थ्रू करते हैं। क्या है? एक मीडियम होता है पैसे के, पैसे जो होते हैं उसका ट्रांसफर करने का एक मीडियम होता है NEFT या RTGS। क्वेश्चन 32, ATM स्टैंड्स फॉर, ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, ओके। क्वेश्चन 33, बैंक कस्टमर्स यूज ATM फॉर, जो बैंक कस्टमर होते हैं वो ATM को किस लिए यूज करते हैं? तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, किस लिए यूज करते हैं? कैश विदड्रॉवल,
यानी पैसे निकालने के लिए, कैश डिपॉजिट पैसे जमा करने के लिए, तीसरी जो बात है वह व्यू करेंट बैलेंस या अपना करेंट बैलेंस चेक करने के लिए एटीएम का यूज बैंक कस्टमर करते हैं। क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स गिव थ्री डायमेंशनल इमेज ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी ऐसी इन चारों में से कौन सी ऐसी ठीक है मशीन है जो हमारे बॉडी का ठीक है अंदर का जो बॉडी है उसके जितने भी इंटरनल पार्ट है वो हमें 3D इमेज में शो करता है। कौन सी मशीन है उसको कहते हैं कैट, CAT कैट बोलते हैं ठीक है। ये जो कैट मशीन होता है हमारे इंटरनल बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर है ना वो 3D में शो करता है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारे बॉडी में वो आसानी से डॉक्टर देख कर उसको बता सकते हैं कि हाँ आपके अंदर कौन सी बीमारी है, किस तरह के चीज़ें हैं। क्वेश्चन 36, MRI स्टैंड्स फॉर, MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये भी क्या होता है, एक तरह का पूरे बॉडी का एक स्कैन होता है जिससे कि डिजीज वगैरह का पता लगाने के लिए MRI का यूज होता है। क्वेश्चन 37, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन गिव द डिजिटल इंप्रेशंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कौन सी ठीक है चारों मशीन में से कौन से ऐसे मशीन हैं जो हमारा क्या करता है इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है मैग्नेटिक के फील्ड के थ्रू हमें इंप्रेशन देता है। तो आंसर है MRI। क्वेश्चन 38, ECG स्टैंड्स फॉर, ECG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ठीक है। क्वेश्चन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज यूज टू मॉनिटर द हार्ट बीट, इन चारों मशीन में से कौन से ऐसे मशीन है जिनको यूज किया जाता है हार्ट बीट को काउंट करने के लिए, दिल धड़कता है ना उसको काउंट करने के लिए। तो आंसर है ECG मशीन का यूज होता है हार्ट बीट काउंट करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए। क्वेश्चन 40, विच मशीन इज यूज टू रिकॉर्ड द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन, कौन सा मशीन होता है जो जिसका यूज होता है क्या करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को, कौन सा मशीन है जो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है? तो आंसर है EEG ठीक है। ये जो मशीन है ना क्या करती है हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है कि हमारे ब्रेन में क्या चल रहा है, किस तरह की चीज़ हम लोग सोच रहे हैं, उसको बोलते हैं EEG। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और मैं आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपके फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।